गुरुदेव, बुद्ध ने कौन सा ज्ञान बताया है और कितने मार्ग बताए? श्री सीताराम, बुद्ध ने जो आपको ज्ञान बताया, बुद्ध की शुरुआत निराशावाद से हो गई। निराशा यानी मन में चिंता खा गई, और चिंता होने के कारण ही उसने राजपाट का त्याग करते हुए जंगल की ओर चले गए। तो उन्होंने चार बातें यानी चार आर्य सत्य बताए, दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्ति का मार्ग, ये चार आर्य सत्य बताए। क्योंकि संसार में लोग हमेशा चिंतित और दुखित रहते हैं, और बुद्ध ने वो जाना कि इस भवसागर से इंसान कैसे पार हो सकता है। नहीं मिल रहा है फिर दुखी, मिल गया तो ये हमेशा रहेगा क्या? नहीं, वो दुख अगर वो हमेशा के लिए रहने के लिए भी है तो कोई मुझसे छीन तो न ले वो दुख। यानी कोई भी चीज हमारे पास टिक तो नहीं सकती है, क्योंकि ये जग नश्वर है। जब बुद्ध ने ये चार आर्य सत्य बताया तो उसमें इसका उपाय ढूंढा। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ 35 साल की उम्र में, तब उन्होंने इस संसार को अष्टांग मार्ग दिया। अगर कोई व्यक्ति बुद्ध के अष्टांग मार्ग पे चलता है तो ही वो व्यक्ति दुख के भवसागर से पार हो सकता है। अब बुद्ध के अष्टांग मार्ग 8, वो कौन से है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मत्व, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी योगा, और सम्यक स्मृति। ये 8 मार्ग बुद्ध ने दिए। और इस 8 मार्ग पे जब आप चलोगे तब जाके आप इस संसार के भवसागर से पार हो सकते हैं। क्योंकि जैसा दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी जैसे देखते हो वैसे ही सोचना, जो सोचा है उस पे ही कायम रहना, उसको कहते सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प यानी अभी जैसे कि अपन कहेंगे हठ योगी कहते हैं उसको, जैसे कि मैं एक संकल्प लेता हूं और संकल्प पे कायम रहता हूं, तो बुद्ध कहते संकल्प लेना मैं कायम रहना, लेकिन मैं करके ही दिखाऊंगा। तो यहां से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो अहंकार की उत्पत्ति अगर हो गया तो आपका सम्यक संकल्प भी कुछ काम में नहीं आएगा। सम्यक वाणी, जो बोल रहा हूं वो सत्य है, जो बोलूंगा सत्य है, और जो बोला हुआ है उसके ऊपर ही ठाम रहूंगा, उसको सम्यक वाणी कहते हैं। कर्मत्व, बुद्ध ने कहा कर्मत्व और सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, इसमें समझाते हुए बुद्ध ने कहा कि अगर उपजीविका चलाने के लिए अगर ऐसा कर्म करना पड़े, मांस मटन मच्छी ये जो दुकान चलाना पड़े, ये दुकानदारी जब चलाना पड़े, तो आपका कर्म सही नहीं होगा। क्योंकि बुद्ध ने समस्त समाज को अहिंसा परम धर्म के राह पे लाया है। तो बुद्ध को जो अच्छा से समझेगा, तो मैं कहता हूं इस देश में एक क्रांति आएगी। और बुद्ध के मार्ग पे अगर हम चलेंगे तो धम्म के मार्ग पे जब चलेंगे तो देश और देश के समस्त प्राणी मात्रा और मानव का कल्याण होगा। इसलिए बुद्ध को शरण जाना बहुत जरूरी है। अगर बुद्ध को कोई शरण नहीं जा रहा है तो मुझे लगता है वो अपने जीवन का अंधकार नहीं मिटा सकता है। क्योंकि बुद्ध ही जो है जिन्होंने लोगों के मन का अंधकार मिटाने का कार्य किया और लोगों तक सत्य ज्ञान पहुंचाने की कोशिश की। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, धम्मम शरणम गच्छामि, श्री सीताराम।